अब हम ये जानने वाले, जब आप रियल टाइम में किसी गिटहब प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, गिटहब की हेल्प से कोड कमिट करते हैं, ओके सपोज करिए कि हमारा टेस्ट डॉट जावा फाइल ऑलरेडी से गिटहब पर है, ओके हमने पुल रिक्वेस्ट के जितने भी लेटेस्ट फाइल था वो सारा हमारे पास चला आया, तो यहाँ पर टेस्ट डॉट जावा करके हमारा फाइल देखिए यहाँ पर ऑलरेडी हमने अब कुछ देर पहले यहाँ पर इस चीज़ को हमने एक्सप्लोर किया था, ओके तो सिंपली यहाँ से देखिए यहाँ पर आते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा ये रिपोजिटरी है, ओके इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी में ये टेस्ट डॉट जावा फाइल है और इसमें हम एक फंक्शन को ऐड करते हैं। जैसे हमने एक फंक्शन को अपने लोकल फाइल में यहाँ पर ऐड कर दिए, कुछ कंटेंट को हमने मान चलिए ऐड कर दिए, ओके तो सिंपली इसमें आते हैं और यहाँ पर ये कंटेंट को हमने ऐड कर दिए, एक फंक्शनैलिटीज क्लास में हमने सिंपली ऐड कर दिया, ओके पब्लिक और यहाँ पर इसको दे देते हैं स्टेटिक वॉइड फन वन नाम के एक मेथड हम सिंपली दे देते हैं, ओके और इसके अंदर ये हमारा एक नॉर्मल मेथड को क्रिएट कर दिए। अभी यहाँ पर मैं एक सिंगल लाइन कर रहा हूँ, जब आप किसी रियल टाइम प्रोजेक्ट में वहाँ पर बहुत सारे फाइल ऐड कर दिए, सडनली हमारा मैनेजर क्या करेगा कि जो भी तुम अपने न्यू फंक्शनैलिटी ऐड किया उन सारे को रिमूव कर दो, अपने को नहीं चाहिए फंक्शनैलिटी, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें तो याद नहीं रहेगा कि कौन कौन कहाँ कहाँ कोड लिखे, तो जो हम कैसे रिमूव कर सकते हैं इसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। अगेंस्ट मैं सिनेरियो को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर एक हमने पर्टिकुलर अभी तो एक फंक्शन किया, मान लीजिए हम रियल टाइम कर वहाँ बहुत सारा फंक्शन पे हम काम करते, तो बहुत सारे हमने फंक्शन ऐड कर दिया, आफ्टर सम टाइम हमारा मैनेजर क्या कह रहा है कि तुमने जो भी अभी लेटेस्ट वाला कोड ऐड किया है उन सारे को रिमूव कर दो, अपने को ये फंक्शनैलिटी अभी को नहीं चाहिए। अब हमें तो याद नहीं रहा हमने क्या क्या ऐड किया, इतना पॉसिबिलिटी नहीं कि उतना सारा कोड को हम याद कर पाए, तो हमें कैसे इस चीज़ को रिमूव करेंगे, उस सिंपलीज के लिए गिटहब ने अपने को प्रोवाइड किया, कैसे तो हम यहाँ पर ये चेंजेस कर दिया, कंट्रोल एस से सेव कर दिया और यहाँ से सिंपली गिट राइट कैस करके यहाँ पर हमने गिट बैश को ओपन कर लिया, ओके जैसे यहाँ पर आइएगा और सबसे आपको यूज करना है गिट स्टेटस, तो ये क्या काम करेगा, हमारा जो वर्किंग ट्री इसका ये स्टेटस बताएगा, देखिए ऑन ब्रांच कह रहा चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट, कह रहा है कि चेंजेस स्टेज नहीं हुआ फॉर कमिट के लिए, वो कौन सा फाइल है, मॉडिफाइड हुआ है टेस्ट डॉट जावा, इसमें टेस्ट डॉट जावा में हमने फाइल मॉडिफाई किया और डेमो डॉट जावा अनट्रैक्ड है, मतलब ये अनट्रैक्ड मतलब क्या हो गया कि अभी तक ये फाइल हमारा सेंट्रल रिपोजिट्री में कमिट ही नहीं हुई, केवल केवल हमारा लोकल वर्किंग रिपोजिट्री में ही है, ओके अब अपने को ये फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है उन सारे को रिमूव करना है, जो भी अभी हमने कंटेंट किया है मॉडिफाई किया इसको रिमूव कर देना है, तो इसके लिए गिट देखिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर को सजेस्ट कर रहा है क्या, एक तो ये कह रहा है कि अगर तुमको कमिट करना है पर्टिकुलर फाइल तो गिट ऐड फाइल नेम दो, सिंपली हम उसको स्टेज एरिया में डाल देंगे, बट दूसरा ये भी सजेस्ट कर रहा है कि इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है उसे डिस्कार्ड करना है, तो उसके लिए यूज करो गिट रिस्टोर फाइल नेम, तो उसके अंदर जो भी कंटेंट है उसका हम रिमूव करेंगे, कैसे तो चलिए इस चीज को दिखाता हूँ, गिट यहाँ पर यूज सिंपली करेंगे रिस्टोर, अब हमारा फाइल नेम क्या है टेस्ट डॉट जावा, तो हमने सिंपली यहाँ टेस्ट डॉट जावा को हम यूज करेंगे और यहाँ पर हिट कर देंगे और वेट करेंगे, तो आप यहाँ पर आप जब जाओगे अब इसको ओपन करोगे तो टेस्ट डॉट जावा के अंदर जो भी हमने फंक्शन ऐड किया था वो फंक्शन हमारा रिमूव हो गया, राइट यहाँ उसको फंक्शन रिमूव हो गया, तो इस प्रॉब्लम को इस सिचुएशन को ऐसे आप ओवरकम कर सकते हो रियल टाइम, ओके अगर मैं एक फंक्शन यहाँ पर मान चलिए ऐड करता हूँ, इसका हम देता हूँ वॉइड, सिंपली हमारा वॉइड दे दिया फंक्शन हमारा वन हो गया, ओके और यहाँ से हमें इसको कंट्रोल एस अगेन सेव कर दिया, देन यहाँ से हम आते हैं सिंपली गिट रिपोजिटरी में, ओके और यहाँ से उसको सबसे पहले स्क्रीन को हम क्लियर करें तो सिंपली यहाँ क्लियर दे देंगे और यूज करेंगे हम गिट स्टेटस, हम अपनी लोकल वर्किंग हिस्ट्री को ट्री का हम जो है स्टेटस जानते हैं, तो यहाँ एक फाइल जो मॉडिफाई है और एक फाइल अनट्रैक्ड है, हम इन दोनों फाइल को स्टेज एरिया में डालना चाहते हैं, तो क्या यूज करेंगे हम गिट ऐड को सिंपली हम यूज कर लेंगे, गिट ऐड डबल हाइफन ए कर देंगे, तो इसका मतलब क्या होगा जितनी भी हमारे पास भी फाइल है वो सारे सारे स्टेज एरिया में चला जाएगा वर्किंग ट्री से स्टेज एरिया में, ओके तो अब ये फाइल हमारा वर्किंग ट्री में चला गया, तो अगर हम स्टेटस को चेंज करते हैं स्टेटस चेक करते हैं, तो यहाँ पर स्टेटस पे आए देखिए चेंजेस टू बी कमिटेड, ये कह रहा है कि फाइल हमारा ये कमिटेड होने के लिए तैयार है, जब हम कमिट कमांड यूज करेंगे ये हमारा लोकल रिपोजिटरी में चला जाएगा, बट यहाँ पर दो फाइल हमें अभी रियलाइज हुआ कि नहीं हमको जो डेमो डॉट जावा है इस फाइल को अभी कमिट नहीं करना है, इसको अनस्टेज एरिया में लाना है, तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पर ये दोनों फाइल रेडी है, जैसे हम कमिट कमांड यूज करेंगे दोनों कमिट हो जाएगा, ओके उधर इसको आप पुश करेंगे हमारा
सेंट्रल रिपोजिटरी में चला जाएगा। लेकिन हमें अब रियलाइज हुआ कि नहीं, हमको इन दोनों फाइल को ना एक ही फाइल को टेस्ट डॉट जावा को इसको अपने को पुश करना है, कमिट करना है, लेकिन इस डेमो डॉट जावा को नहीं करना है। तो इसको कैसे ओवरकम करेंगे, इसके लिए देखिए यहाँ पर यूज करें, यूज गिट रिस्टोर डबल हाइफन स्टेज फाइल नेम टू अनस्टेज। किसी फाइल को आपको अनस्टेज करना है, स्टेज एरिया से अनस्टेज एरिया में जाने के लिए, तो आप उसको यूज करना है गिट रिस्टोर डबल हाइफन स्टेज और फाइल नेम करके। तो चलिए चीज को हम देखते हैं, यहाँ पर तो सिंपली यूज करेंगे गिट और यहाँ पर दे देंगे रिस्टोर, ओके, डबल हाइफन स्टेज को हम यूज करेंगे। फाइल क्या हमारा डेमो डॉट जावा, अभी हम डेमो डॉट जावा फाइल को कमिट करने से इसको अनस्टेज एरिया में कर दिए। अगर आप गिट स्टेटस की आप हेल्प से चेक करोगे गिट स्टेटस, तो आप यहाँ पर देखना क्या आएगा, एक फाइल हमारा अनट्रैक्ड मांगा है कौन डेमो डॉट जावा, लेकिन अभी दोनों क्या था, एक कमिटेड क्लियर था और एक पर अप टू ब्रांच है। तो चलो जो हमारा ये स्टेटस ये वाला जो डेमो है इसको हम कमिट करते हैं, इसके लिए सिंपली यूज करेंगे गिट और यहाँ से यूज कर लेंगे कमिट हाइफन एम और मैसेज पास कर देंगे एडेड, एक फंक्शन ऐसे करके नाम हमने दे दिया, दैट्स इट, हमारा फाइल कमिटेड हो गया। लेकिन ये फाइल हम जानते हैं अब कभी अभी कहाँ गया, हमारा वर्किंग ट्री से हमारा लोकल रिपोजिटरी, हम लोकल रिपोजिटरी सेंट्रल रिपोजिटरी में भेजने के लिए अपने को पुश कमांड को यूज करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ यूज करेंगे गिट और यूज कर देंगे पुश, देन अब ये क्या काम क्या करेगा, हमारा लोकल से अपने को सेंट्रल मिलाकर फाइल दे देगा, ओके। तो अब हम चेंज करते हैं कि यहाँ पर देखिए फंक्शन ऐड हुआ कि नहीं हुआ, अभी टेस्ट डॉट जावा में नॉर्मल था हमारा, सिंपल था, लेकिन आप जैसे कि देखिए वाइट फन वन ये मेथड एक हमारा ऐड हो गया। तो इस तरह का अगर आपका कोई सिचुएशन हो तो उसको आप ऐसे डील कर सकते हैं, रियल टाइम जब आप काम करेगा ऐसे आपको बहुत सारे सिनेरियो मिलेगा, वहाँ पर आपको इस तरह को टैकल करना पड़ेगा।